ये देखिए, ये जब ये सूख रहे हैं, ये हाथ के ये बने हुए जवे हैं जो हमने घर की आटे की मैदा से बनाए थे। ये मम्मी ने यहाँ पर सूखने के लिए डाल दिए थे, तो मैं इन्हें ही थोड़ा सा देखने के लिए आ गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरी वीडियो थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि मैं कुछ काम में लगी हुई थी, जिस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाई। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मैं थोड़ा सा स्टडी करती हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कहीं बाहर जाना पड़ा और मुझे वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिला। पर मैं जल्दी ही आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फेस टू फेस आ जाते हैं। चलिए, कोई इंटरेस्टिंग या मज़ेदार वीडियो ना हो पर आपस में एक कम्युनिकेशन तो होता रहे। तो बस यही सोच के मैंने एक छोटी सी ऐसे एक वीडियो बना ली है। और बस मैं थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी हूँ कि देखो, आई होप मेरा कहीं सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है। और बस यही सब रहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ करें। और सभी के ऊपर एक प्रेशर सा होता है, खासकर जो यंगेस्ट होते हैं उनके ऊपर तो खासकर ही, उनकी फैमिली का, उनके पेरेंट्स का और फिर खुद का भी रहता है कि हाँ भाई, हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा करना है। तो बस इसी में ही थोड़ा बिजी थी, कॉलेज वगैरह मुझे जाना पड़ रहा था, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाई। पर अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी कुछ आप ही लोगों से सीख रही हूँ और कुछ जो मुझे पता है वो आपको बता रही हूँ।